ना लड़के का जोश दिख गया और यू बरकरार ही रहेगा, बरकरार रहेगा ये तो इतना ना तो उम्र। हम तो जब पता नहीं मरने का तो किसी को पता नहीं, जब मरेंगे छोटे छोटे बच्चों के भी रोम में नड़का ही पाओगा, यहाँ फूल नहीं पड़ने का। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं रोहित शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं हिंदुस्तान 9। उत्तर प्रदेश में है और ये उत्तर प्रदेश की हॉट सीट कह सकते हैं, क्योंकि ये है योगी के मंत्री सुरेश राणा की सीट, जो गन्ना मंत्री हैं। और ये पूर्व माफी गांव है, पूर्व माफी गांव है। लगातार यहाँ से फोन आ रहे थे और आज समय निकाल कर हम यहाँ पर पहुँचे हैं ये लोगों की राय जानने के लिए। ये गाँव के किसान हैं, ये सब लोग आप पीछे देख सकते हैं, ट्रैक्टर इनका खड़ा हुआ है और पीछे इनके कई पशु भी बंधे होंगे इधर उधर ही, और देख लीजिएगा गांव के तकरीबन लोग यहां पर मौजूद हैं। हर घर से कोई ना कोई मौजूद होगा, कोई बच्चे भी होंगे, दो चार पांच घर बचे होंगे। और ये भाई साहब हमें फ़ोन कर रहे थे, ये राष्ट्रीय लोकदल के प्रदेश महासचिव हैं युवा के, तो ये फ़ोन कर रहे थे कि रोहित हमारे गांव आइए और एक बार लोगों की राय जानिए। और आज इनकी राय जानने के लिए हम पहुँचे हैं। सुरेश राणा जी की सीट है, एक बार फिर मैं आपको बता दूँ, टफ है, कांटे का चुनाव है शामली की तीनों सीटों पर। कहीं ना कहीं अब की बार लोगों का मूड स्विंग होता नज़र आ रहा है। और जयंत और अखिलेश आए तो वो भीड़ देखकर भाजपा में एक अलग सी लहर मच गई है। कहीं ना कहीं अब भागा दौड़े वाली बात भी हो गई है, रणनीति बननी शुरू हो गई होंगी। और राणा जी के भी दिमाग में कुछ ना कुछ नया आया होगा, क्योंकि कल भी यहाँ पर जयंत चौधरी आने वाले हैं। जाटों का काफ़ी बाहुल्य है, लगभग 55,000 वोट हैं और उसी के साथ मुस्लिम वोट भी काफ़ी ज़्यादा हैं। तो इनकी राय जानना, इनकी बात सुनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। अब इनसे बातचीत कर लेते हैं और जानते हैं माहौल क्या है। नाम क्या है जी आपका, पहले आप ही बता दीजिए। उपेंद्र। क्या लग रहा माहौल क्या है? माहौल तो गठबंधन का है। गठबंधन का है? हाँ। अब ये बताइए गठबंधन का है या नलके का है? नहीं, गठबंधन का ही है, नलके का तो है ही, गठबंधन का भी है। गठबंधन का है? हाँ। अरे क्या लग क्या रहा है कि गठबंधन होगा, सरकार बनेगी तो उसके फायदे क्या होंगे? सारे फायदे होंगे, जब जयंत रतलेश आओगे तो सारे फायदे ही होंगे। क्या फायदे होंगे? अरे बिजली का बिल घटेगा, और बिजली फ्री कर रखी, खेत की फ्री कर दी, यहाँ 300 यूनिट फ्री कर दी, थोड़ा फायदा होगा। योगी जी टाइम पे कहते गुंडागर्दी करते हैं इनकी सरकार में लोग, अखिलेश की सरकार में? नहीं, गुंडागर्दी तो कोई गुंडागर्दी नहीं थी अखिलेश की सरकार में, नहीं थी ना ना कोई गुंडागर्दी थी यहाँ तो। वो कह रहे आजम खान इसी चक्कर में अंदर ना है? ना यहाँ कोई गुंडागर्दी नहीं हुई, यहाँ नहीं हुई ना, यहाँ नहीं हुई, यहाँ कोई दिक्कत नहीं किसी। अरे क्या समस्याएं क्या है आप लोगों, किसान है आप तो? समस्या सबसे पहले तो है पेमिट नहीं आता, पेमिट पिछले साल का नहीं आया बोलो, इनके साल का तो आधा सीजन जा लिया पिछले साल, घर के हैं और पेमेंट नहीं आ रहा है। दिक्कत तो वही आ रही, पेमेंट नहीं आ रहा। दूसरी बात बाजार फिर है इतने के सब गेहूँ खा के गिर दिए, दुनिया भर के बाजार फिर है खेतों में, उनका पहरा दे रहा है, तू वहाँ बैठे डेढ़ मारे वहाँ जा। जिससे नहीं हुई कोई बातचीत पेमेंट को लेकर? ना ना, हाँ होली हो, क्यों नहीं, क्या कहते हैं फिर, हो गया पेमेंट, रुक गया सरकार तो, हो गया सारा, हो गया। हाँ, और आपका आया नहीं? नहीं, और तो पूछ लो, सब तो पूछ लो, मैं झूठ बोल रहा हूँ, आपसे भी पूछ लेते हो रहा हो या नहीं, आज पिछले साल का नहीं है बोलो, इनके साल का तो कोई मतलब ही नहीं है, पिछले साल का बका रहे हैं। आपका क्या नाम है? सुरेश पाल। सुरेश पाल जी, क्या लग रहा माहौल क्या है? गठबंधन का है जी। हाँ, गठबंधन का है। हाँ जी। अरे असर क्या होगा गठबंधन की सरकार आएगी तो, क्योंकि जब भी मैं सुनता हूँ योगी जी को सुनता हूं या फिर भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता को सुनता हूं, तो लगातार आरोप लगते हैं अखिलेश यादव की सरकार पर, अखिलेश यादव पर, कि इनकी सरकार थी तो उसमें गुंडागर्दी होती थी, इनकी सरकार थी तो कहीं ना कहीं हिंदुओं को टारगेट किया जाता था। योगी जी ने अभी दो दिन पहले ट्वीट भी करके बताया कि मुजफ्फरनगर में 60 हिंदू मारे गए, 1500 से ज़्यादा घायल हो गए, कवाल को याद करते हैं, तो क्या ये सब चीज़ का कोई इफेक्ट है क्या? गुंडागर्दी का बात है जी, अखिलेश वाले में तो 2,49,000 केस हुए थे। हाँ। और योगी वाले में 3.5 लाख हो रही है, तो किसके बड़े केस अपराध के? योगी में बड़े नहीं बड़े, महंगाई इतनी है, सिलेंडर दुगुना, तेल दुगुना, बिजली 4 गुनी कर दी, पेमेंट समय पे नहीं मिल रहा हमें, तो हम तो तंग है जी किसान सब, इससे किसान तंग है। हाँ जी। तो अब की बार कहाँ जाने वाले हैं? गठबंधन में। गठबंधन में जाएंगे जी, जयंत के साथ जाएंगे। जयंत के साथ जाएंगे। हाँ जी। अच्छा, जयंत का ज्यादा फर्क है यहाँ पर या अखिलेश का ज्यादा फर्क है? जयंत का ज्यादा है जी। हाँ। जयंत का है। हाँ, अखिलेश का नहीं है ना? इतना नहीं जी है तो उसका भी, पर इतना नहीं था, इतना नहीं है जितना जयंत का। हाँ जी। अच्छा, तो जयंत के भरोसे आप लोग गठबंधन के साथ जा रहे हैं जी, जयंत का इफेक्ट है इसलिए जा रहे हैं। हाँ जी। आपका क्या नाम है ताऊ जी? शीतल है जी। अरे क्या लग रहा है, कितनी उम्र है आपकी? उम्र 85 साल की।
85 साल की हाँ। अरे बहुत सरकार देख लिया आपने तो, थोड़ा सा करिए एक बार। क्या कह रहे हैं? इतनी झूठी सरकार ने झूठी नहीं देखी यार, मेन झूठी का कोई। अरे क्या झूठ बोला आपको? सारा झूठ बोल रहे तो आप बताइए क्या क्या। प्रधानमंत्री ने कहा था जी इलेक्शन में खड़े हुए, कहला गन्ने का भाव किसान को 450 रुपए मिलना चाहिए। अच्छा। अब मिलना चाहिए, हम तो राज में बगाज मिलना चाहिए। अच्छा। बगत भावे इन्होंने तो आ कुछ भी नहीं दिया। नहीं ये तो ये तो इलेक्शन आ गए जाते पीछे मिलने लग रहे निश्चय घटाते इनके पीछे। अच्छा हाँ, तो सरकार ढेर झूठी है, ढेर झूठी है, गड़ी झूठी। और क्या क्या झूठ बोले, एक आध और बता दीजिए। अभी झूठ तो बहुत है, क्या सारे गिट बन जाते इतने आदमी मेरे। एक दो तो बता दीजिए। पिछले साल योजना में कराता ने 5 साल। एक मिनट एक मिनट, नु कहते 14 दिन में पेमेंट देंगे, 1.5 साल हो गया आज नहीं मिला। अरे इसलिए नहीं दिया ना, आपके तो मंत्री जी हैं यहाँ पे, मंत्री तो उनको दे के भेज दिया होगा कि अपने लोगों को जाके दे दीजिएगा। अपना पेट भर लिया, अपना पेट भर लिया। हाँ जी, आपको नहीं दिया ना, आपका पेट खाली कर दिया। हमारा हाँ, खाली कर दिया, अपना भर लिया, अपना भर लिया। जितना मार दिया हम तो बिल्कुल जानते। बताओ तेल 80-90 रुपए लीटर चलाया, तेल 50 रुपए लीटर था जब सरकार बनी या 45, और इन्होंने 90-100 कर दिया, तो इनका पूरे ये तो मार देंगे, मार देंगे जानते हैं। अरे वो तो कहते हैं अखिलेश वाले मार देंगे जान से। अजी नहीं, मैं नहीं मारने का, चौधरी है जयंत, जयंत चौधरी है। हाँ। अच्छा ये बताइए, अब जयंत चौधरी और अखिलेश में से दोनों को देखें तो सबसे दोनों में से बढ़िया कौन लगता है आपको? दोनों बढ़िया, चौधरी बढ़िया और बढ़िया। एक ही होता है, दो बच्चे भी होते हैं ना घर में, एक पे ज्यादा असर होता है एक पे कम होता है। ज्यादा असर किस पे है? चौधरी साहब पे, जयंत चौधरी। हाँ जी। अच्छा जयंत चौधरी करके गठबंधन के साथ हैं। हाँ जी। अगर अलग अलग होते दोनों तो जयंत के रहते, जयंत के रहते। हाँ। अखिलेश का नहीं है? जी नहीं, अखिलेश के तो रहते, फिर जो इनका गठबंधन ही होगा फिर तो रहना पड़ेगा, गैल फिर साथ रहना पड़ेगा। अरे गठबंधन मजबूरी तो नहीं है आप लोगों की? नहीं मजबूरी कुछ नहीं जी, मजबूरी नहीं है ना। अजी मजबूरी है हमारे गन्ने में। हाँ हाँ बताइए। गन्ने के पीछे हिंदू आता तो कम से कम गठबंधन होगा, सरकार हमारी बन जाएगी, तुम्हें 2 रुपए तो मिल जाएंगे। ये दोनों किसानों के मसीहा हैं। अखिलेश भी मसीहा है? हाँ जी, अखिलेश भी मसीहा, जयंत भी मसीहा, जयंत भी मसीहा है, उसके पिताजी भी मसीहा थे अखिलेश के, मुलायम सिंह। हाँ जी। अरे वो याद दिलाते, भाजपा वाले कहते कार सेवकों पर गोली चला दी थी। भाजपा वाले चला, मैं गोली तो देखो वहाँ से मैं 4-5 किसान रोन दिए गाड़ी उतर। तेरा सुनो भाई, तेरा बिन्ने लो वहाँ से दिल्ली पड़े रहे, तेरा बिन्ने लो दिल्ली बॉर्डर पर पड़े रहे, 700 किसान शहीद हो गए, मैं नीगे तो करे हुए हाथरस में, वहाँ गरीब की बेटी चढ़ा के मार दी रात को मट्टी का तेल घेर के। और जयंत पे भी डंडे पेल दिए थे, और जयंत का लट मारे तो हमारे याद है, हम क्यों वोट देंगे भाजपा को? जयंत के डंडे याद है? याद है हमारे तो, दिल में लिख रहे हैं मैं, भूले तो नहीं है? नहीं यहाँ लग रहे हैं, तो यहाँ लग रहे हैं। हाँ कते भी नहीं भूलना, करोड़े लग गए, ज्यादा करोड़े भाई, ज्यादा करोड़े लग रहे हैं। मंत्री जी घर के हैं, सारा काम घर का, जब मर्जी जाके पेमेंट ले। मंत्री जी घर का मान रहे थे, उसे वोट दिए, उसने हमारा पेमेंट नहीं दुआ, हम कहे करें कहाँ चले जाए जी, पेट में बाबू जी कुछ नहीं पड़ रहा, अब हम कहाँ जाएंगे? पेट में कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं, देख ला खाली है, खाली हो गया बिल्कुल खाली। ये देखिए भाजपा वालों ने पेट खाली कर दिया, खाली कर दिया बिल्कुल, ये तो खून चूसना रह रहा, बाकी चूस लेंगे जो फंस गए। अच्छा वो बता रहे हैं कुछ चीजें, देखिए अब चुनाव है तो सब तरह की बातें होती हैं, 2013 के दंगों की बात होती है। नहीं नहीं, तो इन्हीं के करवाए हुए थे, भाजपा वालों के, भाजपा वालों के। अरे सरकार कांग्रेस की और अखिलेश की थी, दंगा भाजपा ने करा, भाजपा ने करवाया। कैसे कराया बताइए? इन्होंने उकसाए लोग, भाजपा ने उकसाए। देखो घर में तकरार हो जा, अपनों को समझा ले, इन्होंने समझान नहीं दिया, झगड़ा हो गया था ठीक है निमट जाता हो तो। हाँ अरे वो तो कहते कि आजम खान ने रात रात में दोनों अफसर बदल दिए, झूठी बात है। नहीं वो तो लिखा है रिपोर्ट में है सब, नहीं है लिखो बैठे रहो भाजपा वालों, तो उनकी रिपोर्ट में लिखा है, उनकी सरकार थी उस टाइम। नहीं नहीं इन्होंने लिख रखा, उन्होंने कुछ अच्छा, उनकी सरकार में भाजपा ने लिख दिया, भाजपा ने लिख दिया। भगत हो रहे हैं आप जयंत के? अब हम तो पहले भी भगत थे जयंत के, राज भी भगत है, एक बार बका लिए थे उन्होंने मोदी हर ना, बहुत से पछता रहे हम तो, एक बार में पछता रहे, एक बार में अब नहीं दोबारा जाएंगे, ये मतलब कते भी जाने के बेचारे के मोदी के हेर को तो हम भी जा। ऐसा क्या हो गया मोदी के साथ? अजी ज्यादा झूठ बोल रहे हैं, ज्यादा झूठ बोल रहे हैं, ज्यादा झूठ बोल रहे हैं। अच्छा दो तो इन्होंने बता दिए, अब दो आप बता दीजिए। बता दो, उन्होंने कहते थारी आए दुगुनी कर देंगे 5 साल में। नहीं रे 22 को तो छोड़ दे तू, पहले ही कहते। अच्छा। और 25 रुपए बधाए 9 साल सरकार होगी नहीं कि यहाँ से। अरे उनके कानून का हमने, आपने वो कह रहे थे हमारे 3 कानून मानिए तभी तो दोगुनी करेंगे। दो कानून तो मैं नहीं मानने, अमरनी रडानी को बेच रहे क्या सर हो तो वहाँ लेन में लगवा देगा, लेन में लगवा देगा हमें सारे जाओ तो हमें भी।
अच्छा अंबानी अडानी को दे देंगे सब कुछ? सब कुछ दे रहा क्या उन्होंने इन्होंने वहाँ तो ऐसे में बने रहे उनके होल जिनमें रेल नुकी नहीं चली जाएगी। अंबानी अडानी के बने हुए हैं? हाँ ये देखे वैसे सुना है कहीं से? ये दिखाए भी उसमें दिखाए लोगों ने वीडियो बना के। अच्छा हाँ वीडियो में देख लिया? देख लिया बाबा। सतर्क हो गए पहले ही? हाँ। तो अब दूर हो लिया मोदी होगी जी? खत्म बिल्कुल एक डब मामला। एक डब हो गया मामला? पता ही नहीं जाने के हेर को किसान तो जाने का नहीं। किसान नहीं जाएगा? ना जाने। किसान तंग है? तंग है ज्यादा। बाजार की भी समस्या होगी? बाजार की इतनी समस्या है तो यहाँ पर टेप थोड़ी बार में खेत में जाएंगे 2 किलोमीटर पे। अच्छा 5-7 बीघे गेहूं बो रहा केवल जड़ता मिला दिए बता के खाऊंगे जाकर। बाजार खा जाते हैं उनको? बाजार खा जाओ ये भी तो घेर लो उन बाजारों को वहाँ बुलवा लें दिल्ली। आपकी भी बाजार की समस्या है जी? बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा है। अच्छा आप वोट किसको करेंगे? जयंत को। जयंत को? नलके की नलका है। हाँ ये गठबंधन में मामला क्या है, जयंत का ज्यादा है या अखिलेश का? जयंत का बत्ती है। जयंत का है? हाँ। ये पश्चिम में जयंत के सारे क्या, सुनिएगा, पश्चिम में क्या जयंत के सारे अखिलेश अपनी नैया पार लगा रहे हैं क्या, ऐसा कुछ है क्या? नहीं तो गठबंधन सही काम हो रहा है। सही काम हो रहा है? सही हो रहा है। नहीं जब बात करता हूँ लोगों से तो लोग कहते हैं देखिए जयंत का ज्यादा मामला है तो अखिलेश उसके सारे नैया पार लगा ले। भाई वो चौधरी है, वो पहला चौधरी है, ये बाद के है। हाँ। उसका बापू चौधरी था, बाबा भी चौधरी था, उनकी बात उनकी यही। आज मैं किसी से बात कर रहा था पूर्व बाल्यान में कि चौधरी चरण सिंह थे तो उनके कपड़े धुलते थे ये लोग। कौन धुलते थे? ये अखिलेश के परिवार वाले। और आज को आज ये देखिएगा जयंत और अखिलेश एक साथ हो लिए और अब हाथ में भी लाल टोपी पकड़ा दी जयंत के। ये जो चौधरी हैं जो ये कासकर बना रखे ये चरण सिंह के बनाए हुए हैं और ये तो ये जो लोग थे दलदल को खासा बुके कर्जमंद थे उनकी जमीन थी। तो अब लोकदल तय हो गया? लोकदल पक्का जी। नलका होगा पक्का? पक्का। अरे देखिए कहीं बदल जाए चुनाव से पहले। अरे बदलने वाले हैं के? नहीं बदलेंगे हम, बदलने वाले हैं के? हम बदलने वाले नहीं है। चलिएगा। क्या नाम है? नाम तो बताइए। किशोर है जी। किशोर जी क्या लग रहा है? बस चुनाव तो यहाँ से गठबंधन का है जी। गठबंधन का है? हाँ जी। तो क्या गठबंधन पार हो जाएगा? बिल्कुल पार होगा जी 100%। 100%? हाँ जी। देख लीजिए कहीं लुटिया डूब ना जाए। नहीं नहीं लुटिया डूबने के नहीं घबराओ ना तुम। नहीं डूबेगी? नहीं डूबेगी। भाजपा की डूबनी? किसी डूबनी? भाजपा की डूबेगी जी तो लुटिया की डूबेगी। हाँ दूसरों तक पूछ लो मेरे पे। धूम्रपान मत कीजिए निषेध है। नहीं उनसे पूछो खराब कर देगा आपके। चलिएगा। आपका क्या नाम है? सुरेश पाल। सुरेश जी क्या लग रहा, माहौल क्या है? माहौल अच्छा है जी। अच्छा है? हाँ जी जयंत का माहौल अच्छा है। जयंत का माहौल है? हाँ जयंत का माहौल है। अरे क्या चक्कर है, जब यहाँ पे बात करता हूँ तो जयंत की बात करते हैं लोग, जयंत की बात, अखिलेश की कम बात करते हैं? नहीं गठबंधन है दोनों की बात होगी पर ज्यादा जयंत का है। ज्यादा जयंत का है? जयंत सिरे पड़ रहा है? हाँ। जो गाँव में चौधरी लोग है वो जयंत को चाहते हैं? हाँ जी। अखिलेश का इतना हिसाब? नहीं अखिलेश का भी है, गठबंधन की बात है सब दोनों की। गठबंधन की बात है? सही कह रहे हैं? हाँ जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। क्या किसान तो बता रहे तंग है? किसान तो तंग है ही जी। तंग है? हाँ जी। योगी जी कह रहे कैराना मुजफ्फरनगर की गर्मी शांत कर देंगे अब की बार, शिमला बना देंगे। कुछ नहीं होता जी, अखिलेश है जी, वो अखिलेश और जयंत है जी, यहाँ तो नहीं चलेगा मामला। नहीं बिल्कुल नहीं चले जी। हाँ हाँ क्या कह रहे? यहाँ का बहुत गर्म है मिजाज, यहाँ का दोनों जिलों का। हाँ? शामली मुजफ्फरनगर का बहुत गर्म है। हाँ गर्म है तो ठंडा नहीं होगा? बाबा जी ने कौन सा ग्रस्त भोग रखा है, तो अपना राम के नाम लुआ हूँ इसकी तो इतनी उम्र आ रही, अपना छोड़ दे सारा धंधा छोड़ कर अपना तपस्या करे। तपस्या करनी चाहिए? हाँ योगी जी को। योगी जी को वो तो वैसे ही तपस्या करते हैं। कद करे करता ही नहीं, राज में राजा थोड़ा ही, राज को तो छोड़ के चले जा मौत। अच्छा हाँ भाई इन्होंने एक भी लोंडा होने का नहीं छोड़ा, एक भी कहीं भी ऐसा नहीं, सब बेच दिए इन्होंने अड़ंगे, प्राइवेट में झोंक दिया सब मामला। अच्छा सब बेच दिया? हाँ सब। किसने बताया आपको? हम खुद बता रहे, टीवी देख रहे हैं। हाँ टीवी भी देख, टीवी से पता लगता है? हाँ टीवी से पता लगा, रेलवे सारी चीज जो उनकी नौकर हो जाता है का लोंडा वो भी टाड़ ली। अच्छा वो नौकरी भी नहीं लगती? 3 साल हो लिया मिलिट्री की कोई भर्ती नहीं इन्होंने, मतलब यू है कोई भी बेरोजगारी इतनी बढ़ा दी जिसकी कुछ हद नहीं। बेरोजगारी बढ़ गई है? हाँ बेरोज। महंगाई का क्या हिसाब है? महंगाई तो चरम पे जा रही, चरम पे है। हाँ तो अब की बार किसका बटन दबाएंगे? क्या नाम बताया आपने अपना? वीरेंद्र सिंह। अच्छा वीरेंद्र जी किसका बटन दबाने वाले? भाई नलके का दबेगा। हाँ नलके का दबेगा? हाँ तय हो गया नलका? कहाँ तय हो गया बिल्कुल पहले। कितनी सीटें आ जाएंगी पश्चिम में क्या लग रहा है?
पश्चिम में, पश्चिम में मतलब ये है एक आधी सीट पे यार सके नहीं, सब पे यही हालत है जो कर यहाँ है, सब पे यही हालत है, सब पे यही हालत है, इनके लोग बाग तंग हो गए भाई, ये बात नहीं। राणा जी का क्या होगा यहाँ पे, योगी के मंत्री हैं, 40,000 था रगा कम तक, 40,000 से, 40,000 था, देख लियो तो। समीकरण बताइए थोड़ा सा, समीकरण मुस्लिम है, जाट है भाई, और होर बिरादरी भी है, होर बिरादरी भी है, हाँ इन तो तंग हो लिए लोग, तंग हो लिए, हाँ पूरे तंग, सही कह रहे हैं, हाँ जी सही कह रहे हैं, तंग हो गए सब लोग, सब तंग है, तो अब की बार नल का तय हो गया क्या, बिल्कुल पक्का है जो नल का। अच्छा कुछ लोग ये भी कहते हैं कि सरकार कहीं लगे भाजपा की आ जाए, थोड़ा कम ज्यादा सीट रह जाए तो नलके वाला वहाँ पे चला जाएगा, बजे ऐसा नहीं होने का, वो नहीं जानेगा, ऐसा नहीं होने का, ऐसा नहीं होने का, नहीं होगा, नहीं विपक्ष में बिठा लेंगे, भले बैठा लेंगे, भाजपा के साथ नहीं जाना, नहीं जानेगा, आपको क्या लगता है, नहीं जानेगा जी भाजपा के साथ, नहीं विपक्ष में, विपक्ष में, वो कह भी रहे थे अभी चवन्नी थोड़ा है, हम नहीं चवन्नी थोड़ा है, वो तो रूपा है, वो तो रूपा है, अच्छा हाँ जी चवन्नी नहीं है, बदलेगा, नहीं नहीं बदलेगा, वो पहले के आरोप लगाते हैं लोग, अजीत सिंह जी ने कहा था जिस गाड़ी पे सपा का झंडा उसमें बैठा गुंडा, ये झूठी बात है सब, वो वीडियो है, वो तो झूठी नहीं है, नहीं नहीं झूठी है, उन्होंने तो बना रखी है, अच्छा हाँ। अजीत सिंह की आवाज में वो कैसे बना देंगे, बना देंगे यहाँ, बनवा दो किसी की आवाज में, अच्छा हाँ। कलाकार है अभी, कलाकार है अभी, बना कर देंगे, बन जाएगी, बन जाएगी। आपका क्या नाम है, सचिन जी, सचिन जी को क्या लग रहा है, लोक दल आएगी जी, लोक दल आएगी जी, बिल्कुल आएगी। अच्छा देखिए सीटें तो बहुत कम दी हैं, उसमें भी कुछ लोग आरोप लगा देते हैं कि भैया इसमें मुसलमानों को टिकट दे दिया है, जाटों को कम टिकट दिया है, देखो जहाँ जिसका जोर है उसे टिकट तो वहीं से मिलेगा, जहाँ जो अपनी सीट निकाल सकता है उसको तो टिकट देगी, तो क्या थाना भवन से कोई जाट सीट नहीं निकाल सकता था, नहीं ऐसा कोई कैंडिडेट नहीं मिला होगा उनको, लेकिन जो चौधरी साहब ने किया वो अच्छा किया, हम लोक दल को वोट देंगे, जैसे जैन चौधरी ने कर दिया उसी के साथ है, जैसे वो कर देंगे उसके साथ है, और आगे का क्या हिसाब है, कुछ लोग आरोप लगाते हैं कि भैया ये यहाँ से यहाँ हो जाएंगे अगर सरकार नहीं आई तो गठबंधन की, तो बीजेपी के साथ भी चले जाएंगे, नहीं, बिल्कुल नहीं जाएंगे, बिल्कुल नहीं जाएंगे, विपक्ष में बैठेंगे लेकिन इनके साथ जाना पड़ा तो, अरे जी विपक्ष में बैठेंगे लेकिन इनके साथ नहीं जाएंगे, इनके साथ नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, अच्छा वोट कर रहे हैं बीजेपी के खिलाफ, बिल्कुल कर रहे जी, हमेशा करेंगे, हमेशा करेंगे, हमेशा करेंगे, पिछली बार किसको किया था, पिछली बार बीजेपी को किया था, पिछली बार बीजेपी को किया था, हाँ जी, लेकिन आगे नहीं करेंगे कभी, आगे नहीं करेंगे, कभी नहीं करेंगे, इस बात की नाराजगी इतनी, किसानों के खिलाफ है जी, किसानों की विरोधी सरकार है जी, तो इसलिए नहीं करेंगे, इसलिए नहीं करेंगे। चलिए आपका क्या नाम है, ब्रजपाल जी, अच्छा ब्रजपाल जी को क्या लग रहा है, माहौल क्या है, माहौल बढ़िया है जी, जो हम चाहेंगे वो होगा, जाट है, हाँ जी जाट है, फिर तो होगा जरूर, बिल्कुल होगा जी, पश्चिम में तो जो जाट चाहेंगे वही होगा, वही होगा जी, दो बढ़िया बिरादरी हैं, मुसलमान हैं और भी लगे हुए हैं, जो ये चाहेंगे वही होगा, जो ये चाहेंगे वही होगा, हाँ बिल्कुल, होगा तो पता नहीं, लेकिन आप जो चाहेंगे वो तो कर लेंगे हाँ जी, ये तो होता ही रहे जी, हाँ मार्शल कोम है ये तो, हाँ जी हाँ, कुछ ही को 11 महीने बॉर्डर पे काट दिए, बिल्कुल जी बिल्कुल, दिल्ली हम ना वहाँ आज लोग पड़े इब भी पड़े रहेंगे, अगर ये फिर खिलाफ कोई वो कदम उठाओगे फिर जाएंगे प्रधानमंत्री को, अजी हम तो प्रधानमंत्री है, जनता ही तो भेजे चुन के वहाँ, जनता ही चुन के भेजे, अच्छा क्या लग रहा है माहौल, क्या लग रहा है यहाँ पे माहौल, इनकी सरकार बनेगी, अखिलेश की जयंत की सरकार बनेगी, अखिलेश की जयंत की, हाँ जी निश्चित मान गए, हाँ जी बिल्कुल, कमियाँ क्या रही बीजेपी में, किसानों से अलग भी कुछ कमी है, किसान लोग कहते हैं कि जो अखिलेश की सरकार थी उसमें गुंडागर्दी का माहौल था, और अब योगी जी की जो सरकार आई उसमें गुंडागर्दी का माहौल नहीं है, वो कम हो गया है पहले के मुकाबले, क्या ये सच है, अजी सच तो ही लग रहा, अगर जी हमारी जेब में बीडी भी नहीं है, एक मंडल भी नहीं, हमें लूट कौन लेगा, पैसे नहीं है तो इसलिए लूटपाट नहीं, लूटपाट नहीं जी, जेब खाली तो कौन लूटेगा, कह रहे पहले बिजली नहीं आती थी, इतना डीजल फूक जाता था जनरेटर वगैरह में, और रात तक किसान तंग रहता था, कभी बिजली आई गई इसी में ही रह जाता था, अब बिजली आती है, रात को तो भी तंग है जी, बिजार लेंगे थैर तक बगल अटके बिजार काट देंगे, मन तो खेतों में तो जाएगा, बिजार के पीछे लगेंगे, हाँ जी और हमारा तो हिल्ला ही लगा रखे हम योगी जी ने, अपने नाम के बोर्ड लगा दिए, सड़क बनी नहीं आज लोग, हाँ सुरेश राणा ने अपने नाम के गाँव के चारों तरफ को बोर्ड लगा दिए, अच्छा और सड़क आज तक बनी नहीं, बोलो नहीं बनी ना बने, अच्छा ऐसा क्यों लग रहा है कि नहीं बनेगी, और चुनावी स्टंट है, अच्छा चुनावी स्टंट है, हाँ 10 साल हो गए, सुरेश राणा से कुछ ज्यादा नाराजगी है आप लोगों को जी, उसने आप देख लो बोर्ड लग रहे गांव के चारों तरफ को बोर्ड लग रहे, और सड़क का कोई नाम नहीं है, कभी भी नहीं है, कभी भी नहीं है, नहीं कोई मतलब क्या कह रहे
अजी 10 साल हो लिए से यहाँ से मेरे यहाँ विधायक है। मेरी तरफ से यहाँ गढ़ी की तरफ चले जाओ, जिंजाने की तरफ चले जाओ जी, इंगा एक कस्बा पड़ा है ऊन, ऊन की तरफ चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, रास्ता खराब। 10 साल में न चारू तरफ में मेरी तरफ एक भी रास्ता नहीं दिया। मैं बताओ कैसे वोट दे से। चलिएगा, कुछ युवा खड़े हैं, युवाओं से भी राय जान लेते हैं। क्या लग रहा है युवाओं में तो काफी ट्रेंड लड़के का पानी लिखा यहाँ और एक तरफा एक तरफा तो बिल्कुल परेशान है। भगवान दाता हम माफ कर, बीजेपी से परेशान। बीजेपी ये तो बहुत बुंडे आदमी, इनका तो खराब ही नहीं मिला आज तक। अरे कैसे खराब है, हमने तो सोचा था चलो नौकरी नाकरी मिल जाएंगी, बढ़िया पढ़ाई लिखाई कर ली, कुछ नहीं। 3 साल हो गए घरों बैठे एक रहे बिजारू के पीछे चल देंगे सर। तू वहाँ ड्यूटी तड़की फिर उठ के चलो रेस कर लो, रेस पर जा सारी चप्पल टूट गई। कुछ नहीं, 3 साल हो गए ना कोई भर्ती है ना कहीं पैसा है। करवाड़ो में तो पीछे मांगे बोले है नहीं उर वे मैडम को उर। आप बिजारों की तरफ उर, घर वाले आपकी तरफ उर। जब पैसा नहीं है तो उर उर में चला गया 5 साल। आगे आने वाली पीढ़ी इस तभी खराब, 1.5 साल होगा कोई पढ़ाई नहीं, बिल्कुल खराब माहौल है, बेकार सरकार। रिश्ते तो इनके नहीं हुए, ये तो मारे के होंगे भाई, इनके भी नहीं हो। रिश्ते भी नहीं हो रहे, अपने की डाल के बनाए देंगे, दोनों अपने की डाल के बनाए देंगे। मगर जब नौकरी नहीं लगने की रिश्ते कहाँ हो जगह। अरे वो कहते हैं आत्मनिर्भर बनिए, अपना रोजगार कीजिए। कुछ नहीं रोजगार, कुछ नहीं दिया यू भाई, कुछ नहीं रोजगार दिया, सब जुलमे है नहीं जुमले है। क्या कह रहे थे, मैंने कहा रिश्ते वाले भी गाँव में आने बंद हो गए। अच्छा। अगली पीढ़ी तो मरते ही तो आओगी। हाँ। जी मारे भी आई नहीं हो, रिश्ते वाले कहाँ था आ जाएंगे। रिश्ते वाले नु गए वो तो कुरा गांव पे पड़े पुरमाफी, वहाँ कहाँ ब्याह कर रहे, कहीं पे जाऊंगे। 2018 में लेखपाल की भर्ती में भर्ती हुआ था भाई के, भी हमें गड्डी भी आ रही, भर्ती कैंसिल कर दी। गाड़ी वापस देनी पड़ेगी, बहू भी जागी उल्टी। भाई साहब अच्छा सुनिएगा, एक मिनट एक मिनट, इधर आइए इधर आइए। क्या नाम है आपका? विशांत है भाई। अच्छा लेखपाल की भर्ती में भर्ती हुए, रिश्ता हो गया, गाड़ी आई, अब तो क्या गाड़ी वापस करनी पड़ रही है भाई। मिलाई में पहले 500 मिल रहे थे, 11 मिलने लगे। अच्छा पहले 500 मिलते थे, अब 11 रुपए, अब 11 रुपए मिले। अरनू बोले अगर लुंडी ले जाने का लाने का ठेका तेरा ही है, तेरा रास्ता है बेकार, हम अपने जाकत को नहीं भेजेंगे। यह है दिक्कत, एक ही सड़ा, एक ही सड़ा। यहाँ मंत्री बना रखे सुरेश राणा, गन्ने का कोई पेमेंट नहीं, मंत्री है बहुत बड़ा पद है पश्चिम में, और पश्चिम का इन पर पेमेंट नहीं हो रहा, तो इससे बड़ा क्या हो सके, इससे बड़ा कुछ हो सके। एक बात पे खुरी खरी उतरी बीजेपी, 14 दिन में पेमेंट का था, 14 दिन में पेमेंट हो लग रहा है। इस बात पर यू वादा बीजेपी का हमें पूरा पक्का लग गया भाई, पूरा वादा उतरी खरी उतरी। 3 साल से कोई शिक्षक भर्ती नहीं आई आज तक, मैं लवाद गया धरने पे, वहाँ पीट फट के घर आ गया। पहले कमजोर से हो रहे हैं भाई साहब, धरने वरने में मजा है तो बचका हमसे। पिछली बार ये जाग तूने कहना बीजेपी में वोट गिरो, हमें भी अच्छा, मगर भाई हम तो लोक दल के है, ऐसा ना करो। कहना नहीं बीजेपी में गिरो, हमारी नौकरी लगेगी। अच्छा ये भी कह रहे लोक दल में गिरो, तो आप क्या कह रहे? हम तो लोक दल के थे जी। अच्छा पहले ही लोक दल के थे। हाँ पर ये जबरदस्ती गिरवा गए पिछली बार बीजेपी में, जबरदस्ती। हाँ जी, तो हमें तो इतना मार लग रहा जी, रात को भी हमें तो नलका ही नलका चमके जी। अच्छा रात को भी नलका चमक रहा है। हाँ जी, क्यों जी भैया जक्कत है, इन्होंने यही हमें गलत जगह लेके थे। तो शादी का माहौल सा हो रहा, शादी का माहौल होने रुककर गीत गाए जा रहे, रात को नू गीत से गाए जा, नलके के नलके के गीत गाए जा रहे हैं। इनका होगा जयंत, होगा और पक्का। चलिए देखिए अंडू की डालो, थैली बजानी पड़ेगी और यहाँ पर डगे पड़ेगा ना, बताओ है ना, इनके ब्याह होने ना कुछ होना, आपको तो रंडवे है ही, यहाँ और रंडवे छोड़ देंगे सिर पे, रंडवे और विचार और बगड़ने पड़ रहे सारे। कहेंगे क्यों इब चौधरी का मार रखी लट्टी छोड़ देने की बात लेते हैं, लट्टी याद है, लट्टी याद है, और कुछ नहीं लट्टी लग रही है, बोलने के नहीं बोलने बोलने के नहीं, जान चौधरी का लट्टी लगी रही। लोकदल जिंदाबाद, राष्ट्रीय लोकदल जिंदाबाद। अरे लोग सो रहे हैं, उठ जाएंगे भाई, चुनाव का माहौल हो रहा पूरा, सब कोई नहीं सो रहा यहाँ से। एक बात बताओ, बिजार नहीं भगाने के वे नु, बताओ घर तो बहू नहीं, बहू नु के हर की खेत में रहो, वहाँ घर ससुराल तो फोन नु आवे भाई, बहू धोरा क्यों नहीं रहते, कहाँ रहेंगे, बिजार खेत की बहू धोरा, बताओ करे क्या करे हम, दिन में तो हम
अपने काम हमारे गांव में, मेरे गांव में भगाओगे, हमारे गांव में 50 लुंडे से जो 35 प्लस हो गए बिहार नहीं हुआ और होता नहीं क्योंकि नौकरी है नेता बनाएंगे यहाँ से सब देता बनाएंगे अपना थेड़ी बजाओगे और क्या करेंगे की दुकान बताओ चाय की दुकान खोलेंगे और क्या करेंगे तुम ही बताओ तुम तो होशियार हो महंगाई आप देख रहे हो कहाँ जाली महंगाई महंगाई कहता है महंगाई देख लो आप तेल था 100 जालिया गैस थी 500 का सिलेंडर 920 का हो गया अब ये बताओ इससे ज्यादा महंगाई हो सके आत्मनिर्भर पर भारत की बात करें ये मेरा पानी है अस्तित्व बचाने की खातर सहारनपुर में ये कहा था जब उपचुनाव यहाँ हुआ था ये बापू बेटा अपना अस्तित्व बचाने की खातर यहाँ लगे पड़ेगा मुंह में घूम रहे आज याद आ गए आज चौधरी साहब कहे बोले चौधरी साहब अपना गलत जगह चुन लिया आपने तो अब दिख गया ना अब चौधरी साहब की चौधराहट दिख गई ना इन्हें नलके का जोश दिख गया और यू बरकरार ही रहेगा बरकरार रहेगा ये तो इतना तो उम्र हम तो जब पता नहीं मरने का तो किसी को पता नहीं जब मरेंगे छोटे छोटे बच्चों के भी रोम में नलका ही पाओगा यहाँ फूल नहीं पाने का यहाँ जाटू की चौधराहट खत्म कर दी ये 5 दिन तक हर न्यूज चैनल पर जाट जाट हो रही है जाट जैसी कौम नहीं है जाओ कह रहा जाटू ने तो 21 बार दिल्ली जीत ली अरे का फिर तेरा भिन्ने में अटका फिर जीत का और जो भी चूक चूक कर अटका फिर जीत कम तो झंडे में डंडा होगा नलका ही नलका चलेगा बिल्कुल नलका चलिएगा ये देखिएगा ये जो इनका क्रेज है ये लहर आप देख सकते हैं उधर बुजुर्ग बैठे हैं उनमें भी यही लहर है और इधर भी यही लहर है अब देखिएगा अब तक के लिए इतना ही मैं हूं रोहित शर्मा आप देख रहे हैं हिंदुस्तान 9 जय हिंद।